नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कथित रूप से मिले शिवलिंग पर क्लाउन टाइम्स की सबसे खास पड़ताल। सबसे पहले मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों के सामने दावे से कह सकता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा दिए गए आदेश में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को मीडिया सर्वे की कार्रवाई बता रहा है, जो सरासर झूठ है। आपने ठीक सुना, बल्कि कमीशन की कार्रवाई है। बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के अंतिम दिन यानी 16 मई सोमवार को वजू खाने में कथित रूप से नंदी के सामने 12 फीट के शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्षकारों ने दावा किया है। इसके तत्काल बाद वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी के DM और कमिश्नर तथा CRPF कमांडेंट को उस जगह को सील करने के साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकार इसे फौहारा बता रहे हैं। बावजूद इसके कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में हिंदू पक्षकारों के पक्ष में मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और मीडिया कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को चीख चीख कर कह रहा है कि मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला है, जबकि वाराणसी के कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने देश भर से आए मीडिया कर्मियों को बाकायदा कैमरे पर बताया कि यह सर्वे नहीं बल्कि कमीशन की कार्रवाई है। लेकिन भेड़ चाल मीडिया आज भी कमीशन की कार्रवाई को सर्वे बता रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल वाराणसी न्यायालय के आदेश पर 14 से 16 मई यानी 3 दिनों तक चली कोर्ट कमीशन की कार्रवाई इस आदेश के साथ दी गई थी कि कमीशन की रिपोर्ट कोई पक्षकार सार्वजनिक नहीं करेगा, कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। बावजूद इसके हिंदू पक्षकार वकीलों से लेकर वादी गण ने मीडिया में इस बात का दावा करते रहे कि मस्जिद में बाबा मिल गए यानी शिवलिंग मिल गया है। अब इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी न्यायालय और मीडिया में बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही है कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। आज भी मस्जिद की पश्चिमी दीवार चीख चीख कर कह रही है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के ध्वंसावशेष पर किया गया है, जहां माता श्रृंगार गौरी आज भी विराजमान है। कुल मिलाकर अब माननीय न्यायालय को तय करना है कि गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में बाबा भोलेनाथ के मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद का सर्वमान हल क्या होगा। संयुक्त रूप से रिपोर्ट दाखिल करने की बात आ रही है कि अलग अलग ना दाखिल करके संयुक्त रिपोर्ट दाखिल किया जाए। नहीं तो आप लोगों ने जो कहा है कि नंदी जो है उधर उत्तर की तरफ से, नंदी जो कहे हैं उत्तर की तरफ से, वो इंडिकेट कर रहे हैं वो स्थान को जहां हमने मलबा हटा करके, बांस बल्ली हटा करके और दीवार को जो ईंट सरिया करके बंद किया है उसको खोल करके जो शिवलिंग मिले हैं उनका स्पष्ट रिपोर्ट मंगाने के लिए ऐसा कहा है पूर्वी द्वार। उसके बाद कोर्ट ने अभी क्या तय किया है, अगर एकदम आम भाषा में समझा पाए कि हुआ क्या है अभी कोर्ट? कोर्ट ने दोनों पक्ष के बहसों को सुना है। सरकार के तरफ से एक प्रार्थना पत्र पड़ी कि जिसको सील किया गया है, जहां शिवलिंग मिले हैं वहीं पर अंदर में वो लोग वजू करते थे, उसके अंदर पाइप टूटी लगी है, उसको बाहर करने का आदेश दिया जाए और अंदर लैट्रिन बाथरूम है जिससे वो लोग जाते हैं, उसकी भी उनका आने जाने दिया जाए। और तीसरा उनका था कि जो मछलियाँ हैं वो जिंदा हैं, उनको देख रेख नहीं हुआ तो मर जाएंगी, तो उनका वजू करने के लिए मेरे पर आपत्ति है, मैंने घोर आपत्ति किया, लैट्रिन बाथरूम पर ही मैंने आपत्ति किया है। और जहाँ तक मछली की बात है इसको माननीय न्यायालय जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर दे, क्योंकि जीव हत्या उचित नहीं है। तो मराठी अधिवक्ता ने लगाया है कि वो दीवार जो है उसको हटा करके, मलबा हटा करके देखा जाए, उस दरख्वास्त से राखी सिंह का कोई मतलब नहीं है। क्या रहा सर, क्या मांग थी आपने? 2 दिन का समय दिया जाए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। कोर्ट कमिश्नर तीनों लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इसमें स्पष्ट किया जाए कि रिपोर्ट कैसे कैसे दी जाए। उन दोनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट देंगे तो अलग अलग रिपोर्ट होते आएगी, तो कोर्ट अभी आकर पास करेगा। अब तो क्या क्या इसमें हुआ है अभी? क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।